ग्रीन भारत क्लीन भारत, पेट्रोल बचाएं प्रदूषण घटाएं, संपर्क करें 9717074599 पर। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रनीत गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में और आज पूरे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। पूरे देश के कोने कोने में आज समाज से भी कार्य किए जा रहे हैं, तो इसी कार्य को देखते हुए आज संजय गांधी अस्पताल में किराड़ी विधानसभा से समाज सेवी कपिल देव घर पहुँचे हैं जरूरतमंदों को फल वितरण करने के लिए। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी मैं तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसी भावनाएं मन में प्रोरित, अपनी ऐसी भावनाएं मन में लिए काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणाओं से आज भी हम प्रफुल्लित होकर उनकी प्राण उनसे सीख कर हमने सेवा भावनाएं अपने मन में लेकर हम ये सेवा का काम आज कपिल जी के साथ में इस संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं। और हमने जो ये प्रेरणा ली है, ये हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न रहे हैं और उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में उनकी जयंती के ऊपर आज हमने ये कार्य किया है। और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर छोटी छोटी जो गरीब बस्तियां हैं उनको सेवा बस्ती के रूप में हम अपनी गोद लेते हैं और उन सेवा बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों की मदद करते आए हैं। और कंटिन्यू जहाँ भी हमें कोई भी आवश्यकता महसूस होती है हम उन तक पहुँचते हैं और उनको अपनी सेवा देते हैं। आज हम किराड़ी विधानसभा के कपिल जी के साथ यहाँ फल वितरण का काम हमने अटल जयंती के ऊपर किया है और जैसे जैसे हमें पार्टी और हमारे संगठन का आदेश मिलता है उसी तरीके से हम अपनी विधानसभा में और जो पड़ोस के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो अंधे होते हैं उनके उसमें, मतलब इस टाइप से हम कपिल जी के साथ जा जा करके सेवा भाव से जितना हमारे कपिल जी से होता है उनके लिए, मतलब एक जो सुविधा कपिल जी या हम लोग सारे मिल के दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम कपिल देव गर्ग जी के साथ यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में आए और हम अटल बिहारी वाजपेयी का जो संदेश था कि सबकी सेवा करें, हम यहाँ फल वितरण किया और ये दुआएं मांगी कि जितने भी मरीज यहाँ पे हैं जल्दी से स्वस्थ हों और जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, जो अटल जी का संदेश था वो हमने यहाँ पर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की समर्थि में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मरीजों को फल वितरण करके उनको जल्दी ठीक होने की कामना की है और ऐसे ही अब हम किराड़ी विधानसभा में सारे हॉस्पिटलों में जाके फलों का वितरण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, मैं सभी कल्याण को देखें और सभी उन्नति की ओर चलें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो किराड़ी से जो समाज सेवी हैं कपिल देव गर्ग, वो हमारे साथ मौजूद है संजय गांधी अस्पताल में, जो जरूरतमंदों को फल वितरण करके आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन पेश करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ कपिल देव गर्ग जी है। कपिल जी, जरूरतमंदों के पास फल वितरण किया गया है, कहाँ से संकल्प आया और क्या जीत लगी? सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस है। हम उनके जन्मदिवस पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। उनको जन्मदिन मनाने का तरीका मेरा भी यही है और सभी का यही है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ पुण्य का काम करो। आज किराड़ी विधानसभा का मैं सेवक और मेरे साथ में सभी मंडल पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता संजय गांधी हॉस्पिटल में आए और गरीबों की, मरीजों की, पेशेंट जो यहाँ पे हैं उनकी सेवा करी और सबने कामना करी कि ये जल्दी स्वस्थ होकर के अपने घर पे जाएं। आज तो चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे। इसके अलावा अगर कभी जरूरतमंदों को जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आप हमेशा सेवा में रहते हैं इनके लिए? बिल्कुल जी, हर तरह से। और क्या क्या सेवा आप अगर अपने विधानसभा देख रहे हैं किराड़ी में तो किस तरह की सेवा की गई है अभी तक? सर, सेवाएं अगर ना बताई जाए तो ज़्यादा बेटर है। जिसकी भी जो जरूरत है वो पूरी होती है। तन मन धन जो हम जिस लायक हैं वो हम काम करते हैं। हमारा किराड़ी विधानसभा में जो सत्ता में है वो आम आदमी पार्टी है। काम विधायक का है, वहाँ पे जो विधायक हैं श्रीमान ऋतुराज जी, काम उनका है, वो तो कुछ करते नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सभी वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, सभी काम कर रहे हैं। किराड़ी विधानसभा को उन्होंने नरक बना रखा है, किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करते। शिक्षा का स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, रोड हो,
बिजली हो, गंदगी है, नरक बना रखा उन्होंने। किसी भी तरह का कोई भी विकास का कार्य उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। हमारे साथ जो किराड़ी विधानसभा से समाज सेवी कपिल देव गर्ग थे, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते हुए तो हमने इस फल फ्रूट का जो वितरण किया गया, इसके अलावा भी अगर कभी भी जरूरतमंदों को जरूरत पड़ती है तो उसकी सेवा में हमेशा जो कपिल देव गर्ग है वो हमेशा तैयार है उनकी सेवाओं के लिए। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। कैमरामैन लोकेश के साथ प्रनीत गुप्ता।